मतदान के महत्व एवं ताकत को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी वर्मा ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर और शहीद स्मारक स्थल पर लगाई गई हस्ताक्षर वाल पर स्वयं हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि जिला भर में वोटर जागरूकता मुहिम के तहत हस्ताक्षर अभियान को लेकर महत्वपूर्ण स्थलों पर हस्ताक्षर वाल लगाई गई है। इसका उद्देश्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को, इस अभियान से जोड़ना और हस्ताक्षर करवाकर उन्हें अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक करना है। इस अवसर पर उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं ने अपना वोट बनवाने और मतदान कर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने का कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य नागरिक अब भी अपनी वोट बनाने से वंचित रह गया है तो वह अपने बूथ लेवल अधिकारी, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर एवं एसटीएम और जिला चुनाव कार्यालय में फॉर्म नंबर 6 भरकर वोट बनवा सकता है। वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। सीपी वर्मा ने इस अवसर पर मतदाताओं को पंजीकरण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष प्रचार वाहन मतदान जागरूकता रथ को उपायुक्त कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर 100% मतदाताओं को पंजीकरण करवाने के लिए वोट का महत्व बताकर जागरूक करेगा। सीपी वर्मा ने कहा कि नई पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने वोट के महत्व व ताकत को पहचानना चाहिए। उन्होंने युवाओं को भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। देखिए, जैसा आपको विदित है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव हैं वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार हम पूरे कांगड़ा जिला में स्वीप एक्टिविटी जिसको कहते हैं उसको हम बड़ा अच्छे तरीके से उसको हमने आगाज़ किया है। दो तीन दिन से हमने प्रारंभ कर लिया है कार्य को। विशेष तौर पर यहाँ पर पूरे कांगड़ा जिला की रिक्रूटमेंट रैली जो पुलिस की चल रही है, तो हमने 4 दिन पहले जब ये रिक्रूटमेंट रैली प्रारंभ हुई थी तब से ही इसका कैंपेन हमने लॉन्च किया, अभियान लॉन्च किया है और आज हम इसको और अधिक आकर्षक और जो विशेष तौर पे जो 18 वर्ष के जो नए नवयुवक और नवयुवतियां हैं उनको जो मतदान का जो अधिकार पहली बार जब मिल रहा है उनको हम थोड़ा जागरूक भी कर रहे हैं और अगर कोई किन्हीं कारणों से उनका मतदाता पंजीकरण नहीं हो पाया तो मतदाता पंजीकरण उनका करवाया जा रहा है और लोग उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक तादाद में अगर कोई छूटे हैं आसपास में भी उनको भी उसको जागरूक करें और उनको भी प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि ताकि वो भी मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करवाएं। तो इसी के मद्देनजर हमने जिला कांगड़ा के जो जिला मुख्यालय धर्मशाला में विभिन्न स्थानों पे इन रैलियों का आयोजन किया है आज और जो स्वीप एक्टिविटी का आगाज भी हमने प्रारंभ किया है ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। थैंक यू। युवा मतदाताओं जिन्होंने पहली बार अपना वोट डालना है वे सभी काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने अपने वोट बनवाने के लिए फॉर्म भी भरे। उन्होंने सभी मतदाताओं को, जिनके वोट बने हैं, उन सभी को अपना वोट डालने की अपील की और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वे अपना वोट उस प्रत्याशी को देंगे जो युवाओं के बारे में सोचे। जैसे कि वोट देना सभी का अधिकार है और मैं बहुत उत्साहित हूँ, वोट मेरा बनने जा रहा है। जैसे कि 18 वर्ष जिसकी कम्प्लीट हो जाती है उसी को अधिकार है वोट डालने का और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे वोट डालने का अधिकार मिला है। आप कैसा कैंडिडेट चुन के देना चाहोगे? मैं ऐसा कैंडिडेट चुनूंगी जो हमारी आम जनता की पार्टी की जो भी है सभी की सुने और समस्याओं का समाधान करे, जैसे हमारे हिमाचल का विकास हो उससे। अभी मेरा वोट बनने वाला है और मैं हर उस इंसान से अपील करना चाहती हूँ कि जिनका भी वोट बना है वो वोट दें और हमारे देश के लिए एक अच्छा नेता चुने ताकि हम अपने देश की तरक्की के लिए कुछ अच्छे लोगों को अच्छे काम कर सके और जिसके कारण हमारे देश में और भी परिवर्तन आ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिसका भी वोट बना है वो आके वोट दें और अभी वोट आने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हम वोट पहली बार वोट देंगे और अपना विधायक चुनेंगे।